उधर चमोली में आई आपदा पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी मुश्किल घड़ी में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्दियों में ग्लेशियर टूटना किसी चुनौती से कम नहीं है। का इन दिनों में टूटना और इस स्केल पर, क्योंकि वो जो जानकारी मिली जो उनको 13 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था उसकी रिजर्वायर में, और उसके बाद वो सारा रिजर्वायर भी टूट गया, उसके कारण फिर आगे जो दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें जो लोग लगे हुए थे काम में, ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ। जो आदमी की जिंदगी का नुकसान ज़्यादा वहाँ पर हुआ। कल मेरी चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड से बात हुई और हिमाचल पूरी संवेदना व्यक्त करता है इस घटना पर, और बहुत बड़े स्तर पर इसमें जो नुकसान हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बातचीत की है, और बातचीत करने के बाद जो सहयोग केंद्र सरकार की ओर से उनको दिया जा सकता है उस दृष्टि से भी। लेकिन ये हम सब के लिए एक विषय है सोचने के लिए, जहाँ हम हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के निर्माण कर रहे हैं उसमें इन चीज़ों के लिए हम एहतियात के तौर, सावधानी के तौर पर आने वाले समय में जो चीज़ें आवश्यक हैं करने की दृष्टि से, ताकि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, तो वो मुझे लगता है कि एक सब लोगों के लिए सोचने का विषय है। हम भी हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से इन सारी बातों पर विचार करेंगे। जहाँ हिमाचल प्रदेश में साल 2021-22 के लिए 9,405.4 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित किए गए हैं। विधायक प्राथमिकता बैठक को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बैठक काफी अहम है और सभी विधायकों की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सोमवार को चंबा, सिरमौर और ऊना जिले में विधायक की बैठक हुई और उसके बाद से मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिले में विधायकों की बैठक हुई। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार विधायक प्राथमिकता की बैठक को सिर्फ खानापूर्ति बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से हिमाचल के 600 प्रोजेक्ट लटके हुए हैं और अगर यही हालात रहे तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 15वें वित्त आयोग में हिमाचल के फंड्स की ओर से कमी नहीं आएगी। गौरतलब है कि कांगड़ा, हमीरपुर जिले के विधायकों की बैठक 9 फरवरी को सुबह और दोपहर में, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सोलन और शिमला जिले में विधायकों की बैठक होगी। सभी माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया, अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया है, और उसके साथ साथ में प्रशासन को भी हमने कहा कि विधायकों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि समस्या उनकी निजी नहीं होती है, वो क्षेत्र की एक मांग होती है, और चुने वो प्रतिनिधि के नाते विधायकों से बेहतर उस क्षेत्र को दूसरा कोई नहीं जानता है। वहाँ की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका विधायकों की रहती है, और हमने यही कहा है कि पिछले कंपैरिजन में जो कांग्रेस का 3 साल का कार्यकाल रहा है, उसके बाद हमारी पार्टी का जो कार्यकाल, हमारी सरकार का कार्यकाल 3 साल का रहा है, विधायकों की प्राथमिकताओं का समाधान जो है उसमें बड़े स्केल पर हुआ है। बजट प्रोविजन भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हुई है। नाबार्ड के अंतर्गत भी स्वीकृतियाँ प्रोजेक्ट्स की जो है वो सैंक्शन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुई है, कि एक नई व्यवस्था के अनुरूप जो है वो सारी चीज़ें अब इसमें होंगी, और इसमें कोई बहुत इसमें